my dear children. Hope you all are doing so good. और स्कूल भी खुल गई है आप लोगों की, तो यू और आप लोग अपने अपने स्कूल को भी अपने अपने स्टडी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज कौन सा डे है? यस 15th of April। और आज क्या है, कौन सा फेस्टिवल आज सेलिब्रेट किया जा रहा है? यस बिहू। बिहू किस स्टेट में मनाया जाता है, कौन से प्लेस में मनाया जाता है? बिहू आसाम में मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। अब बिहू क्यों मनाया जाता है? नॉर्मली असम में अभी इन लोगों का बिहू जब स्टार्ट होता है तो ये अपना न्यू ईयर अभी से सेलिब्रेट करते हैं। और ये किस खुशी में मनाया जाता है? इस दिन इन लोगों का जो फसल होता है, जो अनाज होते हैं, वो कटते हैं, पकते हैं, इस कारण से नए अनाज की खुशी में ये लोग बिहू सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये तो हो गई फेस्टिवल की बातें जो अभी चल रहा है, जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग भी मेबी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अभी वो समय नहीं है कि स्टेट बाय स्टेट लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब सारे लोग किसी भी फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन ये लोग अपने गाय को बहुत अच्छे से सजा के उनकी पूजा भी करते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन गेट टुगेदर करके अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं इसमें। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम किसी चीज की पढ़ाई करें, किसी सब्जेक्ट की, या आज हम सिर्फ बिहू के बारे में डिस्कस करें। तो बिहू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में लोग अब इस चीज को समझ पाते हैं। तो आप लोग बिहू में क्या कर सकते हो, हम इसे एक एक्टिविटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग बिहू में क्या कर सकते हो, कोई आइडिया बता सकता है कि कोई कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है इसे सेलिब्रेट करने के लिए? कर सकते हो आप लोग। आप लोग क्या कर सकते हो, अपने घर के जो बाहर है वहां पे आप लोग रंगोली बना सकते हो, क्योंकि ये नया, ये जो बिहू होता है ये नॉर्मली मेनली जो नया साल होता है, जो हम लोग 1st of January को सेलिब्रेट करते हैं, असम में नव वर्ष अभी ही शुरू होता है, मतलब बिहू के टाइम में ही इनका नव वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर के बाहर मेन डोर पे रंगोली बना सकते हो, या फिर जो गाय होती हैं उनको आपके घर में जो भी खाना बना हुआ है, चाहे आप हाफ रोटी ही दो उन्हें, बट आप उन्हें अपने हाथों से उन्हें कुछ खिला सकते हो। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड को अपने घर बुला के अच्छे से डांस भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जो क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता है, ऐसा नहीं है कि आप वो फेस्टिवल सिर्फ बैठ के टीवी में देख के, मोबाइल में देख के ऐसे कर सकते हो, नहीं। आप अपने फ्रेंड के साथ भी उसे, आप एक दूसरे के साथ भी डिस्कस कर सकते हो कि हाँ बताओ फ्रेंड, आपको क्या पता है इस फेस्टिवल के बारे में। तो इस तरह से बात करने से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, तो घर पे आप लोग भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगी, और आप इसे अच्छे से सेलिब्रेट करें, साथ में पढ़ाई भी करें। और बहुत सारे जगह स्कूल खुल गए हैं, बहुत सारे जगह स्कूल नहीं भी खुले हैं, बट मेनली हर जगह स्कूल खुल चुके हैं, और जिसके नहीं खुले हैं वो अभी जो अप्रैल का मंथ स्टार्ट हुआ है उसमें खुल जाएंगे, नहीं तो समर वेकेशन के बाद मेनली खुल जाएंगे, ऑलमोस्ट खुल जाएंगे। ऑलमोस्ट क्या, सारे खुल जाएंगे, बिकॉज कोरोना इज फिनिश और पढ़ाई अब स्टार्ट हो गया है आप लोगों का। ओके, तो आप लोग भी इस तरह से बिहू का फेस्टिवल सेलिब्रेट करें घर में, इन्फॉर्मेशन लें अपने मम्मी पापा से, स्कूल जाएं तो अपने टीचर से भी पूछें कि मैम ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। आपके मन में जो कुछ भी हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, अपने बड़े भैया से, किसी से भी विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो, यहाँ तक कि मेरे से भी पूछ सकती हो। मैसेज करना मुझे, मैं पक्का से आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। तो आज का बस एक छोटा सा वीडियो है, इसमें बस मैं आप लोगों को एक छोटा सा बिहू के लिए, गेट टुगेदर के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक छोटा सा इस तरह सा शॉर्ट वीडियो बनाया, बिकॉज वीडियो काफी टाइम से आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज बिहू का भी फेस्टिवल है तो हम लोग बिहू के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, और कभी कभी बीच में
पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत भी होनी चाहिए। हमेशा हमेशा पढ़ाई करके तो बोर हो जाते होंगे ना आप लोग भी। ओके।